बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं इफ्रा काशिफ और आप देख रहे हैं बेसिक्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स। अपने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ग्नास मिनेजरी के प्लॉट को डिस्कस किया और विलियम टेनेसी का ब्रीफ इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया। आज हम लोग इसकी टोन, स्टाइल, सेटिंग नॉवल का ये सब डिस्कस करेंगे, एज वेल एज इसका टाइटल, इसका नरेटर और इसकी टेंस, इन सब इसके टेंस वगैरह को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों में से किसी ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंटर कर दूंगी, आप लोग उसे वहाँ से जा करके देख सकते हैं जी। तो सबसे पहले हम लोग अपने नॉवल की टाइटल की तरफ जो है वो मूव ऑन करते हैं। नॉवल का टाइटल जो है वो बेसिकली उसका नाम है द ग्नास मैनेजरी, जो कि बेसिकली डिस्क्राइब करता है नोरा की कनेक्शन ऑफ ए टाइनी ग्रास एनिमल्स, जो कि इस चीज़ को बताते हैं कि जो नोरा की ग्रास एनिमल्स हैं वो इतने ही कमज़ोर हैं या इतने ही फ्रेजाइल हैं जितनी कि नोरा खुद है। उसके बाद इस नॉवल का हम लोग नरेटर एंड पर्सपेक्टिव वगैरह जो है वो देख लेते हैं। टॉम जो है वो स्टोरी का नरेटर है बेसिकली, जो कि नॉवल है द ग्नास मैनेजरी, जिस तरह से हम लोगों ने अपनी पिछली रोल में पिछली वीडियो में देखा, और वो रोल प्ले करता है एज अ ब्रदर ऑफ नोरा एंड एज वेल एज द सन ऑफ अमेंडा। वो एज अ नरेटर जो है वो स्टोरी को नरेट करता है, जो कि एक मेमोरी प्ले है, ठीक है, एक नॉन रियलिस्टिक प्ले है, एक मेमोरी और सेंटिमेंटल प्ले का जो है वो रिलेट करता है। अगर हम लोग जो है वो इसके टेंस की बात करें तो ये सारा का सारा अपने ग्नास मैनेजरी, क्योंकि सारा का सारा अपने क्योंकि एक मेमोरी नॉवल है तो ये सारा का सारा पास्ट टेंस में लिखा गया है, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ डायलॉग्स जो हैं वो प्ले में प्रेजेंट हैं, दैट आर इन द प्रेजेंट टेंस। अच्छा, उसके बाद हम लोग इसके स्टाइल, टोन और सेटिंग को डिस्कस कर लेते हैं जी। तो अगर हम लोग इसके स्टाइल की बात करें तो ये बेसिकली एक रियलिस्टिक प्ले है, ठीक है, ये एक मेमोरी प्ले है, ठीक है, जो कि टॉम की यूथ के डिप्रेशन को जो है वो रिकॉल करता है। टोन की बात करें तो टोन जो है वो इसकी मननकनिक जो है मननकनी कहते हैं सैडनेस को, सैडनेस काइंड ऑफ टोन है, मेटाफिक्शनल काइंड ऑफ टोन है, यानी कि एक मेमोरी की फॉर्म में जो है वो इसको डिस्क्राइब किया गया है। इसकी सेटिंग्स की बात करें तो विंग फीन अपार्टमेंट जो सेंट नॉरेस में प्रेजेंट है, ये इसकी सेटिंग है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में हम लोग इंशाल्लाह इसके करेक्टर्स को डिस्कस करेंगे, सिम्पल्स को डिस्कस करेंगे और साथ साथ इसके नॉवल के थीम्स को भी इंशाल्लाह कवर करेंगे।